मुकेश आनंद जी, वैदेही ने एक सवाल चैट पे डाला है। वो बोल रहे हैं कि हमें आजकल कई एडिक्शंस रहती हैं, जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खाना खा लेना। तो ये सब जो हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है, उनके साथ हम कैसे हैंडल किया करें? कई बार क्या होता है, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ स्ट्रेस लेवल होता है, तो स्ट्रेस लेवल हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। अंदर से स्ट्रेस हमें पेन देता है, तो पेन को हम चेंज करना चाहते हैं, तो खाना खाते तो अच्छा लगता है, उस समय थोड़ा स्ट्रेस रिलैक्स होता है, लेकिन वो स्ट्रेसफुल खाना होता है, बाद में हमारा वेट बढ़ता है, फिर हमें बहुत सारी परेशानियों करता है, तो वो स्ट्रेस के कारण सारी चीजें होती है। फिर हम एक स्ट्रेस को दबाने के लिए दूसरे स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं। और आजकल स्ट्रेस का रीजन क्या है कि बिना मतलब का सोशल मीडिया, इंटरनेट वर्ल्ड वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अगर हम अपने जीवन की शांति और अपने हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं रखेंगे, तो आगे जाके स्ट्रेस बहुत बड़ा बहुत बड़ी तकलीफ देगा। तो इसीलिए हमें खुद अपने पे डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, अपने साथ कड़ाई रखनी पड़ेगी, और अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्यों? अगर हम नहीं बदलेंगे तो एक चीज हमारे साथ रहेगी और एक चीज आगे जाके हमें बहुत बड़ी तकलीफ देगी। तो हमें धीरे धीरे हमारी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। फोन के ऊपर काम है तभी उसके पास जाओ, और खाते समय थोड़ा पोषण रख लो कि यही मेरा खाना है, तो अपने पर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। अगर हैबिट चेंज नहीं करोगे तो उसका तकलीफ और ज्यादा सहनी पड़ेगी। तो हमें खुद स्ट्रांग बनना है, और अपने लाइफ को रिस्पेक्ट देना है, और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना है। तो डिसिप्लिन लाने से आप अपने आप पर कंट्रोल कर पाएंगे। जितना आप मन को सरेंडर कर देंगे, उतना मन आपको परेशानी देगा। आप मन के मालिक बनना पड़ेगा, मन के गुलाम नहीं, क्योंकि आपके जीवन का रिमोट आपके दिमाग के ऊपर है। तो हम मन के गुलाम हो जाते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मन हमारे अधीन रहना चाहिए और मन को हमारे कंट्रोल में रखना चाहिए, और जब तक मन कंट्रोल नहीं है तब तक हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए कि मन हमारे कंट्रोल में रहे। तो आप डिसाइड करिए, आपको ज्यादा खाना खाते हैं तो आप मुझे इतना ही खाना है बस, और इंटरनेट का टाइम कर दीजिए, इसी समय ही मुझे बहुत जरूरी काम है तब मैं इंटरनेट खोलूंगा, नहीं तो ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई अभी, ये सबकी है। तो हमें बहुत ध्यान देना है हमारे समय को और हमारी शक्ति को बचाना पड़ेगा।